नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि यदि एक वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो पहले तो हम एक वर्ग बना लेते हैं, ये हमने एक वर्ग बना लिया, उसने हमें दिया है वर्ग का विकर्ण और कितना दिया है 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने एक वर्ग का चित्र बना लिया और उसमें विकर्ण भी बना लिया जिसकी लंबाई है 6√2 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिखते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, a√2। ठीक है, तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है a√2 बराबर हो जाएगा 6√2, रूट टू से रूट टू काट देंगे, a बराबर बचेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस वर्ग की भुजा की लंबाई हमारी निकल के आ गई 6 सेंटीमीटर। प्रश्न ने हमसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ये होता है ए स्क्वायर, यानी जो भुजा होती है उसको हम दो बार गुणा कर दें या उसका स्क्वायर कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो हमने यहाँ लिख लिया ए स्क्वायर, ए की हमारी वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर होगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर या 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपको वर्ग का विकर्ण दिया जाए तो उससे आप सीधे पहले वर्ग की भुजा निकाल लिए, उसके बाद आपसे जो पूछा जाए उसका सूत्र लगा के उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस में आपको दो सूत्र मिले, एक तो वर्ग का विकर्ण a√2 और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।